जिला परिषद परिसर में बुधवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां पूजा पाठ के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसके बाद छोटे लाल यादव को उनके कार्यालय में पूर्व विधायक और अन्य लोगों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस बाबत जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि एक बार फिर से 2010 की तरह इस जिले को राज्य के नंबर वन जिले के रूप में बनाने के इरादे से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के जितने भी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि वे सभी सहयोग करें और हम लोगों से सहयोग लें। सभी के सहयोग से हम इस जिले को राज्य में अव्वल बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हम सभी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस वर्ष हम सभी अपने अपने घरों में 3 दिनों तक तिरंगा फहराएंगे। मौके पर दिनेश राणा, मनोज वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। आज से विधिवत मेरा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में हमारे गार्जियन लोग भी शामिल हुए, जैसे बगोदर का निवर्तमान विधायक बड़े भाई नागेंद्र महतो जी, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक बड़े भाई निर्भय शाहबादी जी और तमाम हमारे जितने भी जीवाधन जी बाबा हमारे और तमाम जितने भी जो आए हुए हैं उनका सहयोग, बहुत अधिकारी हो उस सब का सहयोग चाहिए। हम लोग को सहयोग लेने का उपेक्षा भी रखते हैं, उन लोग को भी हम लोग सहयोग करेंगे और मिल करके इस जिला को पूरे झारखंड में एक नंबर में स्थापित पहले 2010 में किए थे अपने कार्यकाल में, और वही चीज़ हम लोग चाहेंगे उससे भी बेहतर करें, क्योंकि उस समय नया नया चुनाव हुआ था, अनुभव की कमी था, चाहे हम लोग को भी कुछ था, ऑफिसर लोगों को कुछ था, लेकिन अभी ये जो 2 टर्म बीता है उसमें बहुत सारे चीज़ें झारखंड का बदला है पंचायती राज का, और इसमें हम लोग को लगता है कि सहयोग अगर मिलता है हर तरह से, और हम लोग सहयोग देंगे और इस जिला को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अभी पंचायती राज व्यवस्था के तहत में हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद की काफ़ी इसमें जवाबदेही होती है। एक तरह से समझिए कि मिनी असेंबली है, विधानसभा है, और अपने क्षेत्र के लोगों के आवाज़ को सुनकर के उसी तरह से तदनुसार विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए जिला परिषद की महती भूमिका हो जाती है। मैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष हमारे साथी छोटे लाल यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने विजयश्री तो हासिल की है, लेकिन आगे गिरिडीह में ऐसा उदाहरण पेश करें कि जिला परिषद में जितने भी कार्य हुए हैं आज तक उसमें उससे इतर कुछ अनूठा ऐसा काम करें जिससे पूरे गिरिडीह का, पूरे जिला का मान सम्मान बढ़े। मेरी शुभकामना इनके साथ।